हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है कॉस्मिक स्वयं और आप देख रहे डी एम टी टीवी। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे दांतों में सड़न, दांतों में लगे कीड़ेपन के बारे में, यानी कि टूथ कैविटी के बारे में। और ये आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती जा रही है, क्योंकि ये दोस्तों समय के साथ साथ बढ़ती जाती है और आगे जाकर जो है असहनीय तरह से प्रॉब्लम बन जाती है। दांतों में जब कैविटी बनना शुरू होती है तो यह दांतों में लगे काले एक मामूली दाग की तरह क्या नज़र आती है, और अगर इस पर ध्यान ना दिया जाए तो धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ने लगती है और दांतों के इनेमल लेयर को छेद करके अंदरूनी नसों तक पहुंच जाती है। इसके बाद ज़्यादा गंभीर स्थिति होने पर या इन्फेक्शन फैल जाने पर सड़न वाले दांतों को निकालने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचता। लेकिन कुछ ऐसे असरदार उपायों के कारण जो गंभीर से गंभीर सड़न को भी ठीक किया जा सकता है, कीड़े से छुटकारा पाया जा सकता है। और ये वो तरीके जो मैं आज आपको बताऊंगा, क्योंकि पुराने समय में ना डॉक्टर होते थे तो वहाँ के लोग इसी तरह से क्या आगे अपने दांतों के इलाज कर देते और गंभीर से गंभीर जो कैविटीज़ है, जो भी दांतों के प्रॉब्लम, उसको ठीक कर लेते थे। दांतों की सड़न या कैविटी का मुख्य वजह होता है वो हमारे दांतों में रहने वाले बैक्टीरिया, यानी कि सूक्ष्म जीवाणु, जिन्हें हम लोग जो है सीधी आँख से नहीं देख सकते। मेरा मतलब है हम अपनी आँख से नहीं देख सकते, हालांकि ये बैक्टीरिया जो जन्म से हमारे मुंह में होती है, और जब हम अपने मुंह और दांतों की देखभाल अच्छे तरीके से नहीं करते तो ये बैक्टीरिया की जो जनसंख्या है धीरे धीरे बढ़ती जाती है और बाद में इतनी बढ़ जाती है कि वो हमारे दांतों को प्रॉब्लम देने लगती है, सड़न पैदा करने लगती है। खाने में हम लोग कुछ भी काला चीज़ें नहीं खाते, फिर भी देखना कि जो है हमारे दांत काले हो जाते हैं, क्योंकि जो है धीरे धीरे वो सड़ते जाते हैं। और बार बार कितनी भी ज़्यादा मात्रा में ब्रश करने से जो है वो काले दाग बाहर नहीं निकलते, क्योंकि वो दांतों को सड़ा देते हैं, और जो दांत सड़ जाते हैं वो काले पड़ जाते हैं बैक्टीरिया के कारण, सूक्ष्म जीवाणुओं के कारण। और उन लोग का जो सबसे मेन कारण होता है वो ज़रूरत से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट या सर्वस से ज़्यादा शुगर खाने से जो है उनको जो है क्या होता है, जैसे हम लोगों को किसी चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद होती है, वैसे उनको भी जो है ज़रूरत से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और शुगर जो है सूक्ष्म जीवाणु को पसंद होती है। इसलिए डॉक्टरों का सलाह होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा मीठे चीज़ें, ज़रूरत से ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो दांत में चिपक जाए, ऐसे हमें नहीं खाने थे। तो चलिए दोस्तों, ये तो था बेसिक नॉलेज, अब सीधा जो है हम लोग जो है उपचार के बारे में बात करते हैं। चलिए जानते कुछ असरदार नुस्खों के बारे में, चीज़ों के बारे में, जिससे हम अपने दांतों की सड़न और कैविटी को पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं, और साथ ही दांतों में तेज़ दर्द हो तो उनको भी ठीक करने के लिए तुरंत क्या किया जा सकता है, ये सब हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो पहला है दोस्तों, तिल और लौंग का तेल। ये क्या दांतों में बढ़ कैविटी को रोकने के लिए बहुत ही कारगर होता है, बहुत ही असरदार होता है। लौंग के अंदर एंटी माइक्रोबियल, एंटीसेप्टिक, एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, गुण पाई जाती है, जिसके इस्तेमाल से दांतों को गलाकर खोखला करने वाला बैक्टीरिया पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। क्योंकि अगर आपने कभी हॉस्पिटल गया होगा तो आपने देखा होगा ज़्यादातर जो डॉक्टर हैं आपके जो लौंग का खाने के लिए या लौंग के तेल का उपयोग करने के लिए बहुत जो है क्या सलाह देते हैं। अब इसके लिए क्या करना है, आपको एक चम्मच तिल का तेल लेना है, 2 से 3 बूंद क्या है उसमें लौंग का तेल लेना है, और इन दोनों को मिलाकर जो आपको खाली पेट जो 10 मिनट तक कुरला करना है। या तो आप उसके बाद ये भी कर सकते हैं कि आप जो तिल का तेल और लौंग का तेल को जो मिलाकर जो एक कॉटन का रुई ले सकते हैं और उसको जो अपने दांतों पे उस ऑयल को लगा सकते हैं या उस कॉटन को लगा सकते हैं। इससे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आपको राहत मिलेगी, और यकीन मानिए अगर आपका तेज़ दर्द हो रहा है दांतों में तो कुछ ही मिनटों में पूरी तरीके से तेज़ दर्द जो है ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपके दांतों में छेद हो गए हैं कैविटी के कारण तो आप जो उस रुई को जो दांतों में लगा सकते हैं दबाकर, उसको जो दबाकर 10 से 15 मिनट रख सकते हैं। इससे क्या होगा, कुछ ही समय में जो आपके दांतों का दर्द जो है ख़त्म हो जाएगा, और धीरे धीरे जो वो कीटाणु जो है बैक्टीरिया होते हैं वो मरते जाएंगे। इस प्रक्रिया को आप दिन में 2 से 3 बार यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक छोटा सा जो प्लास्टिक का बॉटल ले लेना है या ढक्कन से जो छोटा सा रहता है उसको ले लेना है आपको, और उसमें जो है बहुत सारे रुई बना के पहले से रख देना है, और जैसे ही आपको लगाना है तो आप जो उसको जो है ऑयल में भिगो लीजिए और लगा सकते हैं दोस्तों। और दूसरा उपाय है दोस्तों लहसुन। तो लहसुन भी जो है दांतों में बड़ी कैविटी और सड़न को जो है दूर करने का बहुत ही महत्वपूर्ण कारीगर है, उपाय है घरेलू। इसके लिए आपको क्या करना है, 3 से 4 लहसुन की कलियों को जो है बारीक काट लेना है, और इसमें क्या किया 1 चुटकी सेंधा नमक जो है मिला लेना है, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर ले। उसके बाद जो है आपकी जो दांतों के जो सड़न वाले एरिया में वहाँ पर आप जो है 10 मिनट के लिए लगा सकते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे जो आपके दांतों का दर्द खत्म होगा और जो वहाँ बैक्टीरिया होगी वो भी जो है धीरे धीरे खत्म होने लग जाएंगे, और जो आपका जो सड़न है वो भी ठीक होने लग जाएगा दोस्तों। इसको दोस्तों रोज़ाना 2 से 3 बार आप कर सकते हैं दोस्तों।
और तीसरा उपाय में अपन आते हैं दोस्तों। तो तीसरा उपाय ये है दोस्तों कि दांतों की सड़न और जो है जो भी जो बैक्टीरियाज होते हैं उसको खत्म करने में फिटकरी को जो सबसे महत्वपूर्ण कारीगर माना जाता है। कि दांतों का सड़न हो, दांतों का दर्दपन हो, या दांतों की कमजोरी या नया दांत आ रहा हो, इस हर तरह की स्थिति में फिटकरी की उपाय से जो दांतों की पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है, चाहे वो दर्द हो चाहे दांतों की जो भी प्रॉब्लम हो। इसके इस्तेमाल कैसे करना है दोस्तों, इसके इस्तेमाल के लिए आपको एक छोटा सा कप लेना है, एक कप पानी लेना है, उसमें जो है एक फिटकरी का टुकड़ा डाल देना है दोस्तों, और इसको जो है 10 से 15 मिनट तक आपको जो है रख लेना है। इसके बाद क्या करना है, उस फिटकरी को अच्छे से पानी में मिक्स करके उस फिटकरी को आपको वहाँ से निकाल लेना है दोस्तों। उसके बाद उस पानी को अपने मुंह में रख कर 3 से 4 मिनट तक घुमाते रहे, कुल्ला करते रहे। इस प्रक्रिया को आप जो है कम से कम दिन में 3 बार कर सकते हैं, 4 बार कर सकते हैं दोस्तों। लगातार ऐसे करने से 4 से 5 दिनों में दोस्तों गंभीर से गंभीर जो दांतों की प्रॉब्लम है, समस्या, दर्द पूरी तरीके से ठीक होने लग जाएंगे दोस्तों। इन सब उपायों से आपकी दांतों की मजबूती बढ़ेगी, अगेन बैक्टीरिया जो भी खतरनाक बैक्टीरिया वो नष्ट होंगे, दांतों के एनिमल को मजबूत बनाएगा और फिर से जो रिकवरी करने में दांतों को मदद करेगा दोस्तों। तो ये था दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण घरेलू उपाय और ये 100% जो है कारीगर। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे महत्वपूर्ण